गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज फिर से आपका मैथमेटिक्स क्लासेस में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ। पॉलीनोमियल हमारी चल रही है एक्सरसाइज 2.5। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एंड 13 के बारे में विद यूजिंग योर गिवन आइडेंटिटीज़, यानी कि हम पहले की दो सर समीका की है उनको लेकर हम पढ़ने वाले हैं 10वें, 11वें, 12वें और 13वें प्रश्न में। दोनों हमेशा की तरह हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में, दोनों में आपके पास प्रश्न अवेलेबल है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इसमें हिंट भी गिवन है, सी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब या फिर ये कहें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की आइडेंटिटी यूज़ की थी और वही आपको इसमें यूज़ करनी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला है आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है, यानी कि हमारे पास आज नई वाली, यानी कि जो लास्ट में हमने आपको सर्वसमी को बताई थी उसके बारे में हम बात करेंगे। आज के है ना क्वेश्चंस बेसिकली उस पर ही बेस्ड है आपके। तो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। योर क्वेश्चन नंबर 10, फैक्टराइज ईच ऑफ दी फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। 10वां प्रश्न आपका हिंदी में बात करें। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसको पहले हमें सॉल्व करने के लिए आपको ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्म में चेंज करना है, यानी कि आइडेंटिटीज़ के बारे में बात करूं या तो आप उनको ए और बी की फॉर्म में शो कर सकते हो या एक्स और वाई की फॉर्म में शो कर सकते हो। क्लियर? हम मैंने कुछ प्रश्न आपको ए और बी की फॉर्म में यूज़ कराए हैं और कुछ क्वेश्चंस मैंने एक्स और वाई की फॉर्म में यूज़ कराए हैं दोनों में, जिससे कि आपको पता चले कि दोनों ही वैल्यूज सही है। तो हम इसको पहले सोल्व करते हैं। सोल्व करने से पहले हम इसको ए क्यूब, यानी कि आपके 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, 3y होल क्यूब प्लस 125 आपका होता है 5 का, 5z होल क्यूब। क्लियर? आइडेंटिटी यूज़ करनी है आपकी x एंड y फॉर्म में, या फिर ये कहो ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी आपकी a और b में या x और y में दोनों में ही आपके पॉसिबल हो सकती है। क्या वैल्यू थी आपकी, क्या आंसर लाए थे हम क्वेश्चन नंबर 9 में? क्वेश्चन नंबर 9 में आया था आपका a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है। वेयर ए वैल्यू आपकी है 3y एंड बी वैल्यू आपकी है 5। ओके, तो आपका आंसर ये है, इसमें आपको वैल्यू रखनी है एंड बी की, ए एंड बी की, ए वैल्यू योर 3a+b यानी कि 3y+5z। क्लियर? ए स्क्वायर यानी कि 3y² योर ब्रैकेट चेंज 3y होल ऑफ स्क्वायर माइनस ab, a इंटू बी, इट मीन्स 3y इंटू 5z प्लस बी स्क्वायर, इट मीन्स 5z होल ऑफ स्क्वायर योर ब्रैकेट 3y, लेट्स सॉल्व इट, 3y प्लस 5 a प्लस बी 5z, बी वैल्यू योर 5z, ओके, एंड ए क्यूब ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इट मीन्स योर आंसर इज 9y² माइनस 15y z प्लस 25z² 5² 25, योर आंसर इज सोल्व। नाउ कम टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। आपके इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्म है, तो पहले इसको चेंज करना है। 64 किसका होता है आपका, 64 आपका क्यूब है किसका, 4 का, इट मीन्स 4m होल क्यूब माइनस 343 आपका है 7 का, किसका है 7 का, सेवन एन होल क्यूब। तो आपकी आइडेंटिटी यूजिंग होगी कौन सी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब या एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, किसी फॉर्म में लिख सकते हो। ए माइनस बी आपका होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस
पी स्क्वायर, राइट। बी स्क्वायर, तो योर आंसर इज हियर फाइन। लेट प्लेस योर वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए वैल्यू हियर इज 4m, ए इज इक्वल टू 4m एंड बी इज इक्वल टू 7n। लेट प्लेस वैल्यूज ए माइनस बी, इट मीन्स 4m माइनस 7n एंड योर 4। फोर एम एंड ए स्क्वायर, इट मीन्स 4m होल ऑफ स्क्वायर प्लस ए बी। ए वैल्यू योर 4m एंड बी वैल्यू योर 7n प्लस 7n होल ऑफ स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज्ड, 4 इज इक्वल टू 4m माइनस 7n इंटू 4, ये आपका 4 है, 14 नहीं है, 4 है, और ये ब्रैकेट 4m होल स्क्वायर, इट मीन्स योर आंसर इज 16m स्क्वायर प्लस 7 4 28 mn प्लस 7 स्क्वायर 49n स्क्वायर योर आंसर। हमने दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए 10 के। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। फैक्टराइज योर 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz, यानी कि गुणनखंड करना है हमें इसका। आपको मैंने एक लंबी चौड़ी आइडेंटिटी बताई थी, आपको याद हो तो है ना, कौन सी है वो अभी बात करते हैं। पहले मैं इसको ए क्यूब, ये 27 आपका है 3x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3abc, ए वैल्यू योर 3x, बी वैल्यू योर y, सी वैल्यू योर z, ये आपका z है, z, ओके, z³। सो मैंने अभी आपको बात की लंबी चौड़ी आइडेंटिटी की, और वो आइडेंटिटी आपकी है कौन सी, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3abc इक्वल होता है आपके a प्लस बी प्लस सी। ए बी सी नहीं, एक्स वाई जेड में फॉर्म में ले रहे हैं, तो एक्स वाई जेड की फॉर्म में, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, क्लियर। ये आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी, तो यहाँ पर इसका यूज़ करेंगे। आज आपको इसी के ही क्वेश्चंस करने हैं मोस्टली, इसी आइडेंटिटी को यूज़ करके। तो आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए और आपको मालूम होना चाहिए x की वैल्यू क्या है 3x, y वैल्यू y है, और z वैल्यू z है, क्लियर। तो ये आपका आंसर होगा, तो आपका आंसर है x प्लस y प्लस z, इट मीन्स 3x प्लस y प्लस z, x स्क्वायर 3x होल ऑफ स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस एक्स वाई 3x इंटू y माइनस वाई जेड वाई जेड वाई इंटू जेड भी लिख सकते हो z इंटू x यानी कि जेड एक्स। यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं है, तो हमने इसको सीधे लिख दिया, क्लियर। तो आपके पास आंसर हो गया 3x प्लस y प्लस z 9x² प्लस y² प्लस z² माइनस 3xy माइनस yz माइनस zx, योर आंसर। नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर क्वेश्चन नंबर 11। नाउ कम योर
क्वेश्चन नंबर 12, वेरीफाई दैट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई होल ऑफ स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल ऑफ स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल ऑफ स्क्वायर। ये आपको वेरीफाई करना है, यानी कि आपको ये प्रूफ करना है, इन शॉर्ट आपको प्रूफ करना है। आइडेंटिटी यूज करनी है आपको यही वाली, अभी मैंने जो बताई थी आपको, हमने बोला है ना आज आपकी मोस्टली क्वेश्चन इसी पर होंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री ए बी थ्री एक्स वाई जेड थ्री एक्स वाई जेड इक्वल टू आंसर आता है इसका ए प्लस ए में नहीं है एक्स वाई जेड में एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्लियर? तो आपको ये मेरा एज इट इज आएगा लेफ्ट हैंड साइड, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारा एज इट इज आएगा, और मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। वन बाई टू चाहिए तो आपको क्या लिखोगे, वन बाई टू चाहिए तो आपको टू बाई टू से मल्टीप्लाई किया है, क्या किया है दोनों तरफ आपने वन बाई टू से मल्टीप्लाई किया है, या फिर ये कहें टू बाई टू, वन बाई टू मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखो क्या किया है मैंने यहाँ पे, ये टू बाई टू यानी कि दो से ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है, तो जो आपका ऊपर वाला दो है यानी कि न्यूमरेटर वाला जो दो है, न्यूमरेटर वाला जो दो है यानी कि टू है, वो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, किसके साथ, इसके साथ, इसके। क्लियर? तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस टू जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस टू वाई जेड माइनस टू जेड एक्स। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज इक्वल टू वन बाई टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए मैंने दो से दो को ऊपर और नीचे दोनों तरफ आपको गुणा किया है, तो नीचे वाला दो आपका रह जाएगा वन बाई टू के फॉर्म में, और जो दूसरा दो था यानी कि टू था आपको इसे मल्टीप्लाई कर दिया हमने सेकंड वाले फंक्शन के साथ। तो अब मैं इसको टू एक्स है, आपको लाना है एक्स माइनस वाई होल ऑफ स्क्वायर, यानी कि इसकी क्या फॉर्म होती है एक्स माइनस वाई होल ऑफ स्क्वायर, इसका होता है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि आपको ये फॉर्मूले आपको यहाँ पर बनाने हैं इनका यूज़ करके। टू एक्स स्क्वायर है तो मैंने एक एक्स स्क्वायर ले लिया, यहाँ से मुझे एक्स वाई वाला फॉर्मूला बनाना, तो मैंने माइनस टू एक्स वाई को मैंने इसके साथ रखा और एक वाई स्क्वायर को मैंने इसके साथ रख दिया। ठीक है, टू एक्स स्क्वायर, अब मुझे वाई और जेड को बनाना है, ऐसे ही मैंने वाई और जेड का, आपके पास टू वाई था तो एक वाई मैंने इसके साथ रखा, एक वाई मैंने इसके साथ रखा, वाई माइनस वाई जेड वाला बनाना है तो यहाँ से माइनस टू वाई जेड को उठाएंगे माइनस टू वाई जेड, और फिर ये प्लस जेड स्क्वायर, एक फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा, एक फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा। क्लियर? अब मैं थर्ड फॉर्मूला नीचे बना लेता हूँ, प्लस ये आपको बनाना है जेड और एक्स का, तो दो जेड थे आपके पास, एक जेड इसके साथ एक जेड इसके साथ, जेड स्क्वायर माइनस टू जेड एक्स प्लस एक दो एक्स थे तो एक एक्स मैंने जो एक फर्स्ट वाले में के साथ रखा एक मैंने इसके साथ रख दिया, तो एक फॉर्मूला आपका ये बन गया और ब्रैकेट क्लोज्ड ये वाला। तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज इक्वल टू वन बाई टू इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो आपके पास फॉर्मूले बन चुके हैं एक्स माइनस वाई होल ऑफ स्क्वायर का ये, प्लस ये आपके पास y माइनस जेड होल ऑफ स्क्वायर का है, प्लस ये आपके पास z माइनस एक्स होल ऑफ स्क्वायर का है। इस तरह से हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को वेरीफाई कर चुके हैं, और ये आपका आंसर।
ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आपके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो शो डैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब आपका होता है एक्स 3x वाई जेड। वही आइडेंटिटी आपको यूज़ करनी है जो अभी यूज़ की थी हमने क्यूब वाली, बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, क्लियर, माइनस 3abc इक्वल टू होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। हियर आपको गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर टू जीरो। आपको याद होगा जब मैं आइडेंटिटी आपको समझा रहा था तब मैंने इसके बारे में बताया था कि अगर आपको कंडीशन गिवन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो तो आपके पास क्या वैल्यू आती है, ये आपका जीरो हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू, तो ये आपके पास जीरो हो गया, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो आपके पास आता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3abc नहीं एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर भी एक्स वाई जेड। माइनस 3xyz इक्वल टू जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो, तो आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब सही फॉर्म में रख दो 3xyz। आगे हम इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड क्यूब फॉर्म जीरो दे रखी है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो तो आप रख सकते हो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू होता है 3xyz। आंसर यह एक हैंस प्रूफ। इसी के साथ ही आपके आज की वीडियो में इतना ही। आज आपने किया क्वेश्चन नंबर 13 तक। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस लेकर आएंगे इसी 2.5 के। अभी हमारी कंप्लीट नहीं हुई है, 3 क्वेश्चंस और बचे हैं तो हम चलते हैं आपके। तो आज हमने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 10। इसी से मैं फिर से आपसे विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखें और अपनी PDF अपने नोट्स बनाना मत भूलें। धन्यवाद।